नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज है 24 नवंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इंटर पास छात्राओं को मिलेगा प्रोत्साहन राशि, 20 दिसंबर तक आवेदन करने का मौका। बिहार की 4 सीटों पर एनडीए की जबरदस्त जीत, जानिए किस पार्टी ने हासिल किए कितने वोट, राजद के 34 साल का टूटा रिकॉर्ड। सीआरडी पटना पुस्तक मेला का निर्माण शुरू, इस बार का थीम है पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण की सुरक्षा। गांधी मैदान में 6 से 17 दिसंबर तक लग रहा है मेला। कन्नू बहल की फिल्म डिस्पैच का टीजर रिलीज, डिस्पैच का प्रीमियर 13 दिसंबर को G5 पर। जॉय बग के किरदार में नजर आएंगे बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी। बिहार में ठंड का असर बढ़ा, न्यूनतम तापमान में आई गिरावट, आज तापमान 1 से 2 डिग्री और गिरेगा। गलत ट्रेन में गाड़ी चलाना दुर्घटना का कारण, लेन बदलते समय उचित संकेत देना जरूरी, नहीं तो भरना पड़ जाएगा जुर्माना। और पर्थ टेस्ट का दूसरा दिन भी भारत के नाम, यशस्वी और राहुल की शानदार 172 रनों की साझेदारी, भारत ने बना ली है 218 रनों की बढ़त। अब खबरें विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 22 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख है 12 दिसंबर 2024। इस भर्ती में कुल 169 पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि आप सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंक के साथ डिग्री धारक हैं और आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंटर पास छात्राओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य सरकार ने उन अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है जिन्होंने 2022, 2023 और 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है। शिक्षा विभाग के मुताबिक इन छात्राओं को अब 20 दिसंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया है। जो छात्राएं पहले आवेदन नहीं कर पाई हैं उनके लिए राहत की खबर है। अगर छात्राएं 20 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करना है और उनकी आगे की पढ़ाई को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े पशु मेले सोनपुर मेला की। छुट्टी में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सोनपुर मेला जरूर जाइएगा। आपको बता दें कि इस बार इस मेले में डिज्नीलैंड की तरह झूलों के साथ साथ रेलवे विभाग की प्रदर्शनी भी देखने को आपको मिल जाएगा, जहां रेलवे के विकास और उपलब्धियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। यही नहीं, सोनपुर मेला में बिहार के अलावा अन्य शहरों की परंपराएं और वेशभूषा भी आपको देखने को मिल जाएंगी। स्वीस कॉटेज भी आकर्षण का इस बार केंद्र है। साथ ही इस बार 2 करोड़ का भैंसा भी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे आप मेले में जाकर देख सकते हैं। ये मेला केवल पशु बाजार और प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, इसके अलावा आप थिएटर का भी आनंद उठा सकते हैं। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली है जबकि महागठबंधन को करारा तगड़ा झटका लगा। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीटों पर बीजेपी, हम पार्टी और जदयू के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रसाद ने 78,755 वोटों से जीत दर्ज की जबकि रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने 62,257 वोटों से जीत हासिल की है। इमामगंज में हम पार्टी की दीपा कुमारी और बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी ने जीत हासिल की। खासकर बेलागंज और रामगढ़ में राजद को भारी नुकसान हुआ और बेलागंज में 34 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा। इस परिणाम से 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की स्थिति मजबूत हुई। ये खबर खासकर उन लोगों के लिए है जो सस्ते दामों पर गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं। गोपालगंज जिले में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई 73 गाड़ियों की नीलामी 4 दिसंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में की जाएगी। इन गाड़ियों की कीमत बेहद सस्ती रखी गई है। बाइक की शुरुआती कीमत केवल 3,000 रुपये, महिंद्रा XUV की कीमत 4 लाख रुपये और टाटा कंटेनर ट्रक की कीमत 5,20,000 रुपये रखी गई है। साइकिल की कीमत महज 200 रुपये है। नीलामी में भाग लेने के लिए 2 दिसंबर तक आपको आवेदन करना होगा।
उत्पाद विभाग के कार्यालय में निर्धारित रेट का 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन जमा करना अनिवार्य है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के अनुसार 4 दिसंबर को बोली लगाई जाएगी, जिसमें जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे ये वाहन प्रदान किया जाएगा। बिहार के लाल अभिनेता मनोज बाजपेयी फिल्म डिस्पैच में ज्वाय बैग के किरदार में नजर आएंगे। कनु बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टीजर जो है हाल ही में रिलीज हुआ, जो खोजी पत्रकारिता की गहराई को सामने ला रहा है। डिस्पैच फिल्म में ज्वाय के संघर्ष के माध्यम से दर्शकों को ये दिखाया गया है कि एक पत्रकार के लिए केवल सच्चाई का पीछा करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और इसके लिए वे किसी भी खतरे का सामना करने को लेकर तैयार रहता है। ये फिल्म 13 दिसंबर को G5 पर प्रीमियर होगी। अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड जो है एक्टिव है या नहीं है, और इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट, हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में वेरीफाई पैन स्टेटस पर क्लिक करें। यहाँ अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर दें। इसके बाद OTP डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें। अगर पैन एक्टिव है तो स्क्रीन पर पैन एज एक्टिव दिखाई देगा। बता दें, पैन इनएक्टिव होने के कारण पैन और आधार का लिंक ना होना, एक से ज़्यादा पैन कार्ड होना, फर्जी पहचान के आधार पर जारी किया गया पैन कार्ड होता है। आप अपने मीटर को नियमित रूप से रिचार्ज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार बार अलर्ट मैसेज मिलने के बावजूद आप रिचार्ज करना भूल जाते हैं और आपके घर की बिजली चली जाती है। इसके बाद जब आप अपने मीटर को रिचार्ज भी कर लेते हैं लेकिन उसके बाद तुरंत बिजली बहाल नहीं होती, तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप मीटर पर लगे काले रंग का पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटन उपभोक्ताओं को महीने में सिर्फ एक बार बिजली चालू करने की सुविधा देता है। सीतामढ़ी में श्रीराम जानकी विवाह उत्सव को लेकर जोरदार तरीके से तैयारियां चल रही है। 5 साल बाद अयोध्या से लेकर मिथिला नगरी जनकपुर तक श्री सीताराम विवाह बारात यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का आयोजन 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जाएगा और इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने इस बारात यात्रा का रूट चार्ट जारी किया है, जिसमें अयोध्या से 26 नवंबर को यात्रा की शुरुआत होगी और 9 दिसंबर को गोरखपुर लौटने के साथ इस भव्य यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखा जा रहा है। बिहारी पहचान में आज बात होगी विनय बिहारी की। विनय बिहारी फिल्म निर्देशक, गायक, संगीतकार, गीतकार ही नहीं बल्कि एक राजनेता भी है। विनय बिहारी ने अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने और 50 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं, साथ ही 15 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय भी किया है। उनके गाने सैयाजी दिलवा मांगे ले, गमछा बिछाई के, प्यार में नखी गोरी, उनके फिल्मों में दिल तोरा प्यार में पागल, ससुरा बड़ा पैसा वाला 2, जय मेहरारू जय ससुरारी, दाग गंगा पुत्र और ये मुकाबला शामिल बा। विनय बिहारी ने 2005 में पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता और उसी वर्ष उन्होंने बंधन टूटे ना फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता और कई बार अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। भारत के 3 सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक CRD पटना पुस्तक मेला का निर्माण काम गांधी मैदान में शुरू हो चुका है। ये मेला 6 से 17 दिसंबर तक आयोजित होगा और इस बार का थीम है पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण की सुरक्षा। भी 40 वर्षों से चल रहे इस लोकप्रिय सांस्कृतिक महोत्सव में इस बार बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। पुस्तक मेले के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने बताया कि निर्माण के लिए कलकत्ता से 100 कामगार कलाकार गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और जल्द ही भव्य मेला परिसर तैयार हो जाएगा। इस वर्ष का मेला लोक गायिका शारदा सिन्हा और प्रसिद्ध कथाकार पद्मश्री उषा किरण खान को समर्पित किया गया है। इंस्टाग्राम जल्द ही एक नया फीचर पेश करने जा रहा है, जो यूजर्स को अपनी फीड, रील्स और एक्सप्लोर सेक्शन को एक क्लिक में रीसेट करने की सुविधा देगा। इस फीचर के जरिए यूजर्स उन कंटेंट को हटा सकेंगे जो उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ये फीचर टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यूजर्स इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाकर रीसेट सजेस्ट कंटेंट ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इसके बाद वे उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर सकेंगे जिनका कंटेंट अब उन्हें पसंद नहीं आता। गलत लेन में गाड़ी चलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन चालकों को अपनी लेन में ही गाड़ी चलाना चाहिए और लेन बदलते समय उचित संकेत देना चाहिए। इसके अलावा श्रेणी विशेष वाहनों के लिए चिन्हित लेन में अन्य वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है।
अगर कोई रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है तो उसे 500 रुपये से 10,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। बार बार ऐसा करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या जेल जाने की भी सजा हो सकती है। बिहार में ठंड का असर बढ़ने लगा है। खासकर पटना सहित 19 शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से धीरे धीरे ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 24 नवंबर यानी आज से तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद ये धीरे धीरे 12 डिग्री तक गिर सकता है। इस बदलाव के साथ ठंड की स्थिति में धीरे धीरे वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच राज्य के कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर भी देखा जा सकता है। पटना में निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। मिशनरी स्कूलों में आयु मानक को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर नर्सरी और एलकेजी में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। नर्सरी में दाखिला लेने के लिए बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 तक 3 साल तक होनी चाहिए, जबकि एलकेजी के लिए ये उम्र 4 साल तक तय की गई है। पटना जिले के अधिकांश स्कूलों का कहना है कि अगर किसी बच्चे की उम्र इन मानकों से कम पाई जाती है तो उसका नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों ने आवेदन फॉर्म भरने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ये भी चेतावनी दी गई है कि गलत जानकारी देने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है। सरकार द्वारा आम लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल घर की छत पर लगवा सकते हैं और बिजली बिल से राहत पा सकते हैं। इस योजना के तहत अनुदान राशि के रूप में 30,000 से 78,000 रुपए मिलते हैं। 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट और इससे अधिक के लिए 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप 1555555 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार एनडीए ने इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। सबसे बड़ी हैरानी रामगढ़ के परिणाम में देखने को मिली, जहां बीजेपी ने राजद के किले को ढहा दिया। रामगढ़ की ये सीट खासतौर पर राजद के नेता जगदानंद सिंह का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह ने मात्र 1,362 वोटों के अंतर से राजद के अजीत सिंह को हराकर जीत दर्ज की है। अशोक सिंह को कुल 62,257 वोट मिले, जबकि अजीत सिंह को 35,825 वोट मिले। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिली हार और झारखंड चुनाव में पार्टी की सफलता के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे हार से निराश नहीं है। तेजस्वी यादव ने बताया कि हार जीत राजनीति का हिस्सा होता है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजद इस सीट पर फिर से जीत दर्ज करेगा। तेजस्वी ने इस परिणाम की समीक्षा करने की बात की और कहा कि जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने झारखंड चुनाव में राजद के शानदार प्रदर्शन पर भी खुशी जाहिर की है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भले ही उपचुनाव में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की हो, लेकिन महागठबंधन की हार में उनकी पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर इमामगंज सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार को करीब 37,000 वोट मिले हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर सकारात्मक नजरिया दिखाते हुए कहा कि एक महीने पहले गठित पार्टी ने 10% वोट हासिल कर बिहार में एक नई राजनीतिक सोच की शुरुआत की है और वे इस अभियान से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि अगले कुछ सालों में जनसुराज पार्टी राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। बिहार के चार विधानसभा क्षेत्रों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस जीत को बड़ी खुशी की बात बताते हुए कहा कि ये उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव था और उनकी पार्टी ने चारों सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने 2025 में बिहार में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि ये उपचुनाव बिहार की आगामी राजनीतिक दिशा तय करेगा। इधर झारखंड के चतरा विधानसभा सीट पर एलजेपीआर ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां से चिराग पासवान ने जनार्दन पासवान को उम्मीदवार उतारा था और उनका ये फैसला अब सही साबित हो चुका है। जनार्दन पासवान ने आरजेडी के रश्मि प्रसाद को 18,401 वोटों से हरा दिया है। इस शानदार जीत से चिराग पासवान काफी खुश हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि ये जीत उनके पिता के लंबे समय से अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच का दूसरा दिन भी पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पर समेट दिया। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर अपनी पारी को शानदार बनाते हुए कई रिकॉर्ड बनाए। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट जबकि हर्षित राणा ने अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट चटकाए। वहीं दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 90 और केएल राहुल 62 रन बनाकर नाबाद हैं। इन दोनों ने 172 रन की ओपनिंग साझेदारी कर ली है। ये सुनील गावस्कर और के श्रीकांत की 1986 की साझेदारी के बाद सबसे बड़ी है। इसके बाद भारत की कुल बढ़त 218 रनों की हो गई है और तीसरे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 7:50 से शुरू होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1871 में नेशनल राइफल एसोसिएशन का गठन हुआ था। आज ही के दिन सन 1992 में चीन का घरेलू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 141 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन सन 1999 में एथेंस में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के कुंजू रानी देवी ने रजत पदक जीता था। आज ही के दिन सन 1806 में नरसिम्हा रेड्डी का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। आज ही के दिन सन 2003 में हिंदी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन देवी खत्री का निधन हो गया था। उद्योगपति गौतम अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें अडानी समूह के संस्थापक को अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों द्वारा हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया। बता दें ये AI जनरेटेड तस्वीर थी और सोशल मीडिया पर गलत तरीके से असली बताकर इसे शेयर किया गया था। PTI फैक्ट चेक ने इसे फर्जी करार दिया है। पूर्व इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह बीते दिन पुणिया पहुंचे जहां BVRS परोरा में नवनिर्मित रमेश विजयलक्ष्मी मेमोरियल स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का निर्माण शिक्षा क्षेत्र के प्रख्यात शख्सियत रमेश चंद्र मिश्र और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी की याद में किया गया। स्टेडियम में 2000 से अधिक दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ आधुनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। हरभजन सिंह ने उद्घाटन के बाद स्टेडियम के बारे में बताते हुए ये कहा कि ये असल खेल भावना को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है असम। इसका सही उत्तर होगा बिहार। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उस्मान ख्वाजा, ऑप्शन बी है AMM नसरुद्दीन, ऑप्शन सी है नासिर हुसैन और ऑप्शन डी है अहमद खान। इसका सही उत्तर होगा AMM नसरुद्दीन। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी है 17 जून 1858, ऑप्शन सी है 26 अप्रैल 1858 और ऑप्शन बी है 20 जून 1858। इसका सही उत्तर होगा 26 अप्रैल 1858। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है बिंबसार, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन सी है अजात शत्रु और ऑप्शन डी है नागदशक। इसका सही उत्तर होगा उदयन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अतीक खान, अरशद अंसारी, गुनर शर्मा, मोतीलाल कुमार, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, कंचन राज, उदय कुमार पासवान, पूजा सिंह, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, पूनम कुमारी, नूनू गोलू कुमार, नौसाद रजा, राजकिशोर महतो, पुरुषोत्तम कुमार, अंशु कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, पूजा सिंह, अनवर करीम खान, गुंजन मिश्रा, रविशंकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपका पसंदीदा भोजन या रेस्टोरेंट कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।